प्रेरित पौलुस की फिलिपियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 20 और 21 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। वहाँ अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे वचन कहता है कि वहाँ अपने शक्ति के प्रभाव के अनुसार उसकी जो ताकत है, उसकी जो सामर्थ है, उसकी जो शक्ति है, उसके प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सारे वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपने महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह वचन हमें प्रभु यीशु मसीह में एक बड़ी आशा दे रहा है, बड़ी उम्मीद दे रहा है, क्योंकि इस संसार में रहने वाले हम सारे लोग अलग अलग दुख से, दर्द से, परेशानी से गुजरते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ समय अच्छा रहता है, बाद में दुख होता है, दुख ख़त्म होता है, थोड़ा समय अच्छा जाता है, फिर कोई परेशानी आती है। बार बार, बार बार जैसे कि धूप और छाव आते जाते रहते हैं, वैसे मनुष्य का जीवन खुशी और दुख इनसे भरा हुआ रहता है। और कई बार हमें लगता है क्या हमारी ये परेशानी हमेशा के लिए नहीं मिटेगी, क्या हमारा ये दर्द हमेशा ख़त्म नहीं होगा। हर मनुष्य चाहता है कि मेरा जीवन ऐसा रहे जिसमें ना कोई दर्द हो, ना कोई बीमारी हो, ना कोई आंसू हो, ना कोई परेशानी हो। हालेलुया, हालेलुया। खुशी से भरा हुआ जीवन, आनंद से भरा हुआ जीवन धरती का हर मनुष्य चाहता है। और हमारे जीवन में कोई पीड़ा आ जाए या दर्द आ जाए, यह हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। पर संसार के लोग तो भारी बोझ उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनका बोझ उठाने वाला कोई है नहीं, तो वो अपने भारी बोझ को उठा रहे हैं। यीशु पर विश्वास करने वाले लोग भारी बोझ तो नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर पर रख दिया है। तो भी हमें भी बार बार मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, हमारे रास्ते में बार बार रुकावटें आती जाती है, और कभी कभी हमें भी लगता है ये सब कभी ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों में परमेश्वर ने इसी बात को साफ कर दिया है। वचन कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, यानी हम धरती के लोग नहीं है, हम स्वर्ग के लोग हैं। हम धरती के नागरिक नहीं है, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। जितने सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवित परमेश्वर को पहचान लिया है, यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, उन सबों के लिए उम्मीद है
आशा है कि धरती हमारा सच्चा घर नहीं है, हम धरती के नागरिक नहीं है, चाहे कोई भारत के होंगे, कोई अमेरिका के होंगे, और लोग कहते हैं हम इस देश के नागरिक है, पर जितनों ने यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के संतान बन गए हैं, उन्हें परमेश्वर कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस सच्चाई को अच्छे से जान लें और हमारा पूरा मन हम स्वर्ग की ओर लगाकर रखें। यहाँ प्रार्थना में आए, आपको चंगाई मिली, आप बड़े खुश हो गए, पर एक दिन आपको मरना है ना। कोई मनुष्य धरती पर हमेशा नहीं रहेगा। आज आपका कैंसर निकल गया, आप बड़े खुश है, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। पर इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना, कैंसर से चंगाई पाने के बाद मैं 25 साल जीऊँगा या 30 साल जीऊँगा या 40 साल जीऊँगा, पर एक दिन मुझे मरना है। मेरा टीबी अच्छा हो गया, मैं एक महीने के अंदर मरने जा रहा था, पर अभी मैं मरूंगा नहीं क्योंकि यीशु ने मुझे ठीक किया, अभी मैं और 40 साल जीऊंगा, पर 40 साल के बाद मरना है। हम सब धरती पर रहने वाले लोग, कोई यहां हमेशा नहीं रहते हैं। 100 साल पहले हम में से कोई भी इस दुनिया में नहीं था, सारे अलग लोग थे। आप बताइए, यदि आपकी उम्र 60 साल है तो आप 61 साल पहले कहां पर थे? यदि आपकी उम्र 80 है तो बताइए 90 साल पहले आप कहां पर थे? 100 साल पहले हम में से कोई दुनिया में नहीं था, और आगे के 100 साल के बाद यदि दुनिया रही, अर्थात नहीं रहने जा रही है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, अभी 100 साल नहीं बचे हैं, पर और 100 साल के बाद दुनिया रही तो हम में से कोई नहीं होगा। जब से परमेश्वर ने आदम को बनाया तब से लेकर आज के दिन तक 6000 साल हो गए। लोग दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। और बात ये भी है सच्चाई कि खाली हाथ आते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और खाली हाथ निकल जाते हैं। हालेलुया। लोग धरती पर ऐसी अहंकारी बातें करते हैं जैसे कि ये हमारा सच्चा घर है, यहाँ हम हमेशा रहने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक ज़मीन के लिए 30 साल 40 साल झगड़ा करते रहते हैं, एक मकान के लिए 25 साल झगड़ा करते रहते हैं। आपको परमेश्वर ने मकान दिया है, आराम से रहो, क्योंकि ये आपको साथ में लेकर नहीं जाना है। आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो भी हालेलुया बोलो, तो भी प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि ये हमारा शरीर भी किराए का ही है, एक दिन हमें इसको छोड़ना है और ये मिट्टी में जाएगा, हमारी आत्मा परमेश्वर के सामने खड़ी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो किराए के मकान में रहकर भी खुश है, सचमुच उनकी आत्मा पर और दिल पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लोग दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरी ज़मीन, ये मेरा घर, मैं इसका मालिक हूँ, मालिक मालिक बोलते हैं, और अचानक नींद में हार्ट अटैक आके ख़त्म हो जाते हैं। बताओ कौन मालिक है? ज़मीन का मालिक जो बोल रहा था वो तो चला गया, घर का मालिक जो बोल रहा था वो तो निकल पड़ा, सच्चा मालिक ऊपर बैठा है, हम मालिक नहीं है। बाइबल कहती है कि हम धरती पर खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ वापस जाएंगे। यीशु के द्वारा हमें चंगाई मिली, छुटकारा मिला, खुशी मिली, ये सारी अच्छी बात है, और इसीलिए हमेशा हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। पर साथ ही साथ इस बात को कभी नहीं भूलना है कि हमें यहाँ हमेशा नहीं रहना है, ये धरती हमारा सच्चा मकान नहीं है, परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर अनंतकालीन निवास बनाया है, जहाँ हम जाने के बाद मरेंगे नहीं
और वहां से कोई हमें बाहर नहीं निकालेगा, वो है स्वर्ग, परमेश्वर का घर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, यदि आप छोटे से मकान में रह रहे हैं, नाराज मत होना। छोटे से मकान में रहकर अपना ध्यान वहाँ के मकान की ओर लगाना। वहाँ परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा खूबसूरत मकान बनाया है। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है और आप यीशु का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, तो प्रभु आपको लेके जा रहा है कहाँ पर? स्वर्ग में, उसके घर। प्रभु आगे चल रहा है और उसके पीछे उसके लोग चल रहे हैं। प्रभु ने कहा था, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। वो रास्ता है, वो आगे बढ़ रहा है और उसके लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। प्रभु कहाँ लेके जा रहा है? उसके अनंतकालीन भवन में, उसके अनंतकालीन भवन में, स्वर्ग में वो हमें लेके जा रहा है। और इसीलिए बाइबल हमें स्वर्ग के बारे में शिक्षा देती है, सिखाती है। बाइबल कहती है कि तुम्हारा स्वदेश स्वर्ग पर है। तुम धरती के लिए नहीं चुने गए हो, तुम स्वर्ग के लिए चुने गए हो। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा ये जीवन खत्म होने के बाद, यहाँ 50 साल जियो या 100 साल जियो या 25 साल जियो, पर वो चाहता है ये जिंदगी खत्म होने के बाद हम स्वर्ग में पहुंचे, उसके साथ रहे, ये उसकी इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। यीशु के लोग इंतजार कर रहे हैं एक उद्धारकर्ता की, एक मुक्तिदाता की, जिसका नाम है यीशु मसीह। वो वहाँ से आने जा रहा है अपने लोगों को अनंत निवास में लेकर जाने के लिए। वचन कहता है हम राह देख रहे हैं, हम बाट जो रहे हैं। किसकी? यीशु मसीह की। वो हमारा उद्धारकर्ता है, वो हमारा मुक्तिदाता है। इस धरती से वो हमें मुक्ति देगा, इस सारी बुराई से वो हमें मुक्ति देगा और हमें छुड़ाकर अपने अनंत निवास में लेकर जाएगा। हम उसकी बाट जो रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। आगे वचन कहता है वहां उसके शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सारे वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। प्रभु का सामर्थ, उसकी ताकत, उसकी शक्ति इतनी बड़ी है कि वो अपनी ताकत के द्वारा सारी वस्तुओं को अपने हाथ में, अपने कब्जे में कर सकता है। इस सामर्थ्य के अनुसार, इस शक्ति के द्वारा वो हमारी दीनहीन देह को बदल देगा। हमारा देह दीनहीन है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब तक लोग बीमार नहीं होते, तब तक नहीं जानते कि हमारा शरीर कैसा दीनहीन है। एक 25 साल का जवान लड़का जो तंदुरुस्त है, मजबूत है, दौड़ रहा है, खेल कूद रहा है, काम कर रहा है, वो नहीं जानेगा कि हमारा शरीर कितना दुर्बल है। पर ये 25 के बाद उसकी उम्र 40 हो जाएगी, 45 हो जाएगी, धीरे धीरे उसको पढ़ने में दिक्कत होने लगेगी। आपको भी हो रही है ना? बाइबिल पढ़ते समय कोई दूर पकड़ रहे, कोई नस्तिक पकड़ रहे हैं। आप जब भी 10-12 साल के थे तभी ऐसा होता था क्या? तभी कितना भी कम उजाला हो तो भी आराम से पढ़ते थे। माँ बाप चिल्लाते भी थे, इतने कम रोशनी में मत पढ़ा करो, तो भी कम रोशनी में लेकर पढ़ते थे। बड़ा नाच था कि हमारी आँखें कितनी अच्छी है। अभी उम्र 40-45 हो गई, अभी पूरी रोशनी लगती है, कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। कभी किताब दूर पकड़ना पड़ता है, कभी नज़दीक पकड़ना पड़ता है। क्या हो गया? आंखें कमज़ोर हो गई, आंखें कमज़ोर हो गई। कुछ बात के लिए निकल पड़े और भूल गए क्या काम के लिए निकले थे? कुछ तो बताना था, भूल गए। क्या हो गया? याददाश्त कम हो गई। पहले सारी बातें बराबर याद रहती थी और अपने मम्मी से भी बोलते थे क्या भूलती है बार बार,
आपकी माँ को बोला करते थे कैसे भूलती है, अभी आपकी भी समझ में आने लगा मुझे कुछ तो बताना था पर भूल गई। याददाश्त कम हो गई, आंखें कमज़ोर हो गई, याददाश्त कमज़ोर हो गई, धीरे धीरे कमर में दर्द शुरू होता है, पैर में दर्द शुरू होता है, ज़्यादा समय खड़े नहीं हो सकते हैं, सीढ़ी चलते समय घुटनों में दर्द होने लगता है और ऐसी सारी परेशानी शुरू होती है कि समझने लगता है हम बूढ़े होते जा रहे हैं। हालेलुया। और ये मैं 40 साल बोल रही हूँ, पहले के लोगों की हालत अलग थी, 60-70 साल तक बहुत कड़क रहते थे, पर अभी जितने पाप बढ़ गए उतनी मनुष्य की जिंदगी भी कम होती गई। अभी 40 साल में ही आंखें कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, घुटनों में दर्द शुरू होता है, कमर में दर्द शुरू होता है, पहले कितने तेज़ी से चलते थे ज़रा भी थकान नहीं आती थी, अभी थोड़ा सा चले तो भी पसीना पसीना हो जाता है, थकान आने लगती है, अभी वैसा काम नहीं होता है जैसा हम जवानी में करते थे 25-30 साल की उम्र में, और समझ में आता है बूढ़ापन शुरू हो गया है। और जब ये सारी बातें बढ़ते जाती है तब हम समझते हैं कि हमारा शरीर कितना दुर्बल है, कितना कमज़ोर है। जैसा कि आपने नया नया कपड़ा लाया, खुशी खुशी पहना, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, और उसके बाद कपड़ा फटने लगता है, पुराना दिखने लगता है, बिल्कुल वैसे ही ये हमारे शरीर की हालत हो गई है। क्योंकि वास्तविकता में हमारा शरीर भी एक कपड़ा है जो परमेश्वर ने हमारी आत्मा को पहना हुआ है। ये हमारा शरीर भी कपड़ा है जो परमेश्वर ने हमारी आत्मा को पहना हुआ है, तो ये भी धीरे धीरे पुराने होते जाता है, इसका कलर उड़ने लगता है, यानी काले बाल सफ़ेद होने लगते हैं। जैसे कपड़े का कलर निकल जाता है, हमारे बालों का भी कलर निकल जाता है। वचन कहता है हमारा दीनहीन शरीर, हमारा शरीर कितना कमज़ोर है। ये तो मैंने ऐसी बात बताई कि उम्र बढ़ने के बाद लोगों को जो शिकायतें रहती है, पर कितने सारे लोग ज़रा ज़रा बदलाव हो जाने पर बीमार होते हैं। घर बदल गया, नींद नहीं लगती है। कोई लोग ऐसे होते हैं अपने ही घर में सोना है, कहाँ गए रिश्तेदार के यहाँ, रात को 12-1 बजे के बाद भी अपने घर लौट आएंगे, कहीं भी देरी से काम करेंगे पर घर आएंगे, क्योंकि अपने ही घर में नींद लगती है, दूसरों के घर में नींद नहीं लगती है। और वो प्लेटफॉर्म पर लोग देखो, वहाँ से इतनी तेज़ी से ट्रेन गुजरती है, वे आराम से सोते हैं। नींद परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ कई लोग इतने कमज़ोर होते हैं कि अपना घर बदला तो भी इनको नींद नहीं लगती है, पानी बदला तो सर्दी खांसी शुरू हो जाती है, जहाँ कहीं जाते हैं पानी साथ लेकर जाते हैं। इसलिए कई कई भाई बहन आकर गवाही देते हैं कि उन्हें पानी की समस्या थी, कहाँ जाते थे घर से उबला हुआ पानी लेकर जाना पड़ता था, कहीं का पानी पिया तो तुरंत उनको परेशानी होती थी, पर प्रभु के अनुग्रह से परेशानी निकल गई, ऐसी वे गवाही देते हैं। ये सच बात है, कितने सारे लोगों को पानी बदला तो सर्दी खांसी शुरू होती है, कितने सारे लोगों को माहौल बदला तो बुखार आ जाता है, क्या क्या हो जाता है। ये हमारा शरीर कितना दुर्बल है, कितना कमज़ोर है, थोड़ी सी बात भी हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वचन हमें इस बात की उम्मीद दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह उसके सामर्थ के द्वारा हमारे ये दुर्बल, कमज़ोर, दीनहीन शरीर को बदल देगा और हमें उसकी तरह महिमा का शरीर दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बूढ़े होते जा रहे हैं, शरीर कमज़ोर होते जा रहा है, नाराज मत होना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया शरीर रखा है, स्वर्गीय शरीर, महिमामय शरीर, जो बीमार नहीं होगा, जो थकेगा नहीं, जिसमें कोई बीमारी या परेशानी नहीं आएगी और जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। परमेश्वर हमें बहुत सुंदर ऐसा शरीर स्वर्ग में देने जा रहा है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। और वो शरीर भी स्वर्ग दूतों के समान उसको महिमामय शरीर बताया है। जैसे स्वर्ग दूत एक पल में यहाँ होते हैं, दूसरे पल में दूसरी जगह पर होते हैं, उनका शरीर महिमामय होता है, हमारा वैसा नहीं होता है। कभी कभी हम पंछी की ओर देखते हैं, लगता है हमारा जीवन भी पंछी की तरह होता तो कितना अच्छा होता। रिक्शा के लिए रास्ते पर रुकना नहीं पड़ता, बस के लिए कहाँ रुकना नहीं पड़ता, जहाँ जाना है तुरंत हम उड़ के जा सकते थे। हाँ, पर वो शरीर हमें परमेश्वर देने जा रहा है स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। पंछियों से भी कई गुना बढ़कर अच्छा शरीर, यानी स्वर्ग दूतों के समान शरीर हमें स्वर्ग में मिलने जा रहा है। हमारे शरीर के बारे में परमेश्वर ने खुद कहा था, ये मिट्टी का बनाया हुआ है और इसका मिट्टी हो जाना ज़रूरी बात है। कितने सारे लोग लंबी उम्र की उम्मीद करते हैं, मैं 100 साल जीऊँ, मैं 150 साल जीऊँ। आपका कोई आपका बर्थडे होगा तो लोग आपको शुभेच्छा देते हैं, मनोकामनाएं देते हैं, वो उतने तक ठीक है, पर वास्तविकता में नहीं उतरनी चाहिए। क्या फ़ायदा है, 100 साल जी रहा हूँ पर ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है, क्या खा रहा हूँ उसका स्वाद भी नहीं समझ रहा है, तो ज़िंदगी का मतलब ही क्या है। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपके बर्थडे के दिन आपको मनो शुभकामनाएं दे रहे, 100 साल जियो, 200 साल जियो, उनको बोलो बस 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 बस, इतना नहीं जीना है। ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल या 85 साल बहुत हो गया, क्योंकि तब तक मेरा शरीर इतना थक जाएगा ना कि धरती का पूरा ही पूरा मन उड़कर मैं स्वर्ग की ओर अपना मन लगाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में मकान बनाया है। वो हमारा सच्चा घर है, वहाँ हमें एक नया स्वर्ग दूतों के समान महिमामय शरीर मिलने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, स्वर्ग में कोई आंसू नहीं होगी, रोना नहीं होगा, दुख दर्द पीड़ा नहीं होंगे। जब तक हम इस धरती पर है, हम पीड़ा से गुजर रहे हैं, दर्द से गुजर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो भी कितने बार डर डर के जीते हैं, लगता है ये बुरा हो जाएगा क्या, वो बुरा हो जाएगा, मेरे बेटे की दुर्घटना हो जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, कितने सारे ख्याल बुरे बुरे ऐसे मन में आते रहते हैं। पर जान लेना, इस सबों से हमको छुटकारा मिलने जा रहा है। हमारा प्रभु आएगा, वो पहली बार आया था क्रूस पर बलिदान करने के लिए, हमारे मुक्ति के लिए लहू बहाने के लिए आया था, अभी दूसरी बार आएगा हमें उठाकर उसके अनंत निवास में यानी स्वर्ग में लेकर जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पहली बार आया और हमारे पापों को उठाकर क्रूस पर बलिदान किया, और उसने इस बात को साफ साफ कह दिया कि मैं वापस आने जा रहा हूँ, तब तक अपने आप को तैयार करो। उसने लहू बहाया, हमें साफ होने का, शुद्ध होने का रास्ता बना कर दिया और कहा, मैं वापस आऊँगा, तुम्हें लेकर जाऊँगा, तब तक अपने आप को साफ सुथरा बना के रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम दुनिया में रहने वाले लोग डर डर के और निराशा में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में परेशानी है, दुख है, समस्या है, आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपको इससे छुटकारा दें, यह प्रार्थना आप ज़रूर करना, पर ध्यान में रखना उसी के ऊपर अपना पूरा फोकस मत लगा के रखना, अपना ध्यान स्वर्ग की ओर लगाओ। हमारा घर स्वर्ग में है, वहाँ हमें जाना है। अपने मनों को ऐसा तैयार करो, ऐसा तैयार करो कि मैं आज भी मर जाऊँगा तो स्वर्ग में पहुँच जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के महान दास डॉक्टर पीपी जॉब कहते थे, जब कभी मैं प्रवचन देता था, हमेशा इस रीति से बोलता था जैसे कि ये मेरे जिंदगी का आखिरी प्रवचन है, और जो सुन रहे हैं
वो अपने जिंदगी के आखिरी प्रवचन को सुन रहे हैं। और ये उनको किसने बताया था? और एक प्रभु के बड़े दास होकर गए जो कि यहूदी थे, रिचर्ड वमरान, उन्होंने उनको बताया था, जब कभी प्रवचन दोगे तब दो बातें मन में हमेशा रखना, पहली बात, ये मेरे जिंदगी का आखिरी प्रवचन है, और दूसरी बात, सामने बैठे हुए जो लोग सुन रहे हैं ना, इनका ये आखिरी प्रवचन है। तो क्या हो जाएगा? आप पूरा ही पूरा सत्य उनको बता दोगे और ऐसी तड़प से, ऐसी तरस से उनको सिखाओगे कि इनकी आत्मा का परिवर्तन होना ही चाहिए, इन्होंने अपने गलत रास्ते को छोड़ना ही चाहिए और एक दिन वे स्वर्ग में पहुंचने ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो कहते, जब से मैंने उनकी सलाह सुनी थी तब से हमेशा, जब कभी मैं प्रचार के लिए खड़ा रहता था, हमेशा यही अपने आप को बोलता था, ये तुम्हारा आखिरी प्रवचन है। ऐसा सिखाओ लोगों को कि लोगों के दिल बदल जाएंगे। जो सुन रहे हैं, क्या पता उनको दोबारा मौका मिलेगा या नहीं, ये शायद उनका आखिरी मौका है वचन सुनने का, पर तुम्हें उनको ऐसा समाचार सुनाना है कि इस प्रवचन के बाद उनकी जिंदगी खत्म हो गई तो वे स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग अपने मृत्यु के बारे में बोलना नहीं चाहते हैं और सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने मौत के बारे में कितने बार बोला? क्या वो डर गया था? वो क्यों नहीं डरा था बताइए? क्योंकि उसे मालूम था कि आगे क्या होने जा रहा है। मैं मरूंगा, तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, 40वें दिन आसमान में चला जाऊंगा, परमेश्वर पिता के दहिने ओर बैठा रहूंगा, बाद में दोबारा महिमा के साथ मैं धरती पर वापस आऊंगा। ये सारी बातें वो पहले ही जानता था। वो राजा था, पर उसे मालूम था कि मुझे राजा बनने से पहले मरना है, और मेरे मरने के बाद जब मैं उठूंगा उसके बाद मैं युगान युग राजा बनकर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु अपने भविष्य के बारे में पहले ही जानता था, इसलिए वो डरता नहीं था। क्या आपने नहीं जाना है? यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है तो क्या आपने आपके भवितव्य के बारे में पहले ही नहीं जाना है? हम परमेश्वर के बच्चे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जिए तो भी प्रभु के, मर गए तो भी प्रभु के। हालेलुया, हालेलुया। और जिस पल हमारा धरती का जीवन खत्म हो जाएगा, दूसरे ही पल हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे और अनंत काल उसके पास खुशी से रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा दी है, जिसने हमें वचन दिया है, वो विश्वास योग्य है, वो नहीं फंसाता। उसने हमें फंसाने वाली कोई बात नहीं बताई है, जो भी बताया है सच बताया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, डर डर कर मत जिया करो, निराशा की हालत में मत जियो। चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी पीड़ा है, दर्द है, आप कितने भी दुख से गुजर रहे हैं, तो भी अपने आप में जान लेना, ये थोड़े समय का है, ये खत्म हो जाएगा। ये दुख, ये परेशानी थोड़े समय की है, ये खत्म हो जाएगी। प्रभु मुझे इससे छुड़ाएगा और मैं स्वर्ग में पहुंचूंगा, मैं स्वर्ग में पहुंचूंगी और अनंत काल परमेश्वर के साथ हम खुशी में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से
इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।